जनहित कांग्रेस के लीडर श्री कुलदीप बिश्नोई इसमें है नहीं। यहां पर सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक में गैर मौजूद हरियाणा जनहित कांग्रेस की ये वही कुलदीप बिश्नोई हैं जिससे गठबंधन कर बीजेपी हरियाणा में सत्ता पर कब्जा करने का प्लान कर रही थी। मोदी की लहर में अपनी सीट न बचा पाने वाले कुलदीप बिश्नोई के साथ गठबंधन पर बीजेपी के अंदर भी सवाल उठने लगे। जो व्यक्ति इतनी आंधी में भी अपनी लोकसभा की सीट नहीं बचा सकता उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना कठिन लगता है। इंडियन नेशनल लोकदल ने नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन देकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। INLD के अभय चौटाला ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और वैसे भी INLD का पहले बीजेपी से गठबंधन रहा है। ऐसे में मुमकिन है विधानसभा चुनाव में नए समीकरण बने और बीजेपी हचका का साथ छोड़कर किसी नए साथी के साथ सियासी समीकरण बनाए।